जी दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको समर्थ पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद फिर आप उस फॉर्म को अपने कॉलेज में ले जाकर जमा करेंगे, तभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो हम यहाँ पे आएंगे, समर्थ पोर्टल टाइप करेंगे, सबसे पहले नंबर मिलेगा ELKOUNI.SAMARTH.EDUCATION.IN, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो चूंकि अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन संख्या पासवर्ड नहीं है, इनरोलमेंट नंबर तो है लेकिन पासवर्ड नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यदि आप पुराने कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे बीए ओल्ड करेंगे नीपी, और नए हैं तो न्यू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम ओल्ड करेंगे जो कि 2023 में हमने एडमिशन लिया था। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पे क्या नाम है वो यहाँ डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, या फिर अगर आप रोल नंबर से करना चाहते हो तो रोल नंबर से भी कर सकते हो, तो रोल नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद इनरोलमेंट यहाँ डाल के यहाँ जो कैप्चा कोड दिया इसको डाल के सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब दोस्तों ओटीपी जो है आपके मेल पे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा, तो आपका जो भी नाम हो आप @123 कर दीजिए, पहला अक्षर कैपिटल कर दीजिए, पासवर्ड आपका बन जाएगा। देख सकते जैसे कि यहाँ पे हमारा नाम अंकित, तो पहला अक्षर कैपिटल, बाकी हमने इस्तेमाल रखा है @123 कर दिया है। अब ये पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अभी हमारे अपने यहाँ पे रोल इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद जो हमने पासवर्ड बनाया उसको डाल के साइन इन करेंगे। अब दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे अपलोड सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें क्लिक हियर टू अपलोड फोटो और क्लिक हियर टू सिग्नेचर, हमको फोटो और सिग्नेचर दो चीज़ें अपलोड करनी है। अब देख सकते हैं कि फोटो आपको 100 KB के अंदर अपलोड करना है, सिग्नेचर भी आपको 100 KB के अंदर अपलोड करना है। कैसे रिसर्च करेंगे इसके लिए IEMResearcher.com इस वेबसाइट पे जाएंगे। अब दोस्तों फोटो को रिसर्च करने के लिए आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी फोटो जहाँ पे रखी होगी आप वहाँ जाएंगे, अपनी फोटो को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सीधे 100 KB यहीं 90 KB आपको लिख देना है। नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, रिसाइज हो जाएगी। इसी तरह से आपको सिग्नेचर भी कर लेना है, ये ऑटोमेटिक रिसाइज होकर डाउनलोड हो जाता है। देखिए डाउनलोड हो गया, इसी तरह से अपलोड न्यू करेंगे, उसके बाद हम सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर इसको 90 देंगे, नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। हमको यहाँ पे आना है अपलोड वाले पे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड में, चूंकि हमने फाइल को डाउनलोड में रखा हुआ है, ये फोटो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम सबमिट फॉर अपलोड पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब फोटो अपलोड हो चुकी है, देखना है तो आप व्यू फाइल पे क्लिक करके फोटो को देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है, वी फाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जाना है डैशबोर्ड पे, क्लिक हियर यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखेंगे यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड टू लिंक ABC ID, अगर यहाँ पे आप अभी ABC ID लिंक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक हियर टू लिंक ABC ID अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, यूजर नेम आधार से लिंक कर सकते हो, तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, OTP डाल के सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यदि आप पिन नहीं बनाए रहेंगे तो आपके पिन बनाने के लिए आएगा, अगर पिन बना रहेगा तो यहाँ पे हम पिन डालेंगे। अब दोस्तों यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पिन करेंगे, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से फिर हमसे नई पिन बनवा रहा है, तो इसको हम डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, 6 अंक में डालना है। अब इस तरह का आएगा इंटरफेस, आपको अलाउ कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा, योर ABC अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली लिंक्ड, योर ABC अकाउंट नंबर इज दिस। ठीक है, लिंक हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो UOL लिखा है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आप जाएंगे प्रोफाइल वाले पोर्शन पे। देखिए एक प्रिंट आपको यहाँ निकाल लेना है, इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आपको एक ले लेना है अपने पास। ठीक, एक प्रिंट ये हो जाएगा। इसके अलावा UOL पे क्लिक करेंगे, फिर आप जाएंगे प्रोफाइल पे, एक प्रिंट आपको इसका ले लेना है, इसको कंट्रोल पी करेंगे, इसका प्रिंट आउट लेके अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जब डैशबोर्ड पे आएंगे इस पर क्लिक करके, तो एक प्रिंट आपको निकालना है यहाँ पर, इस पर क्लिक किया करके एक प्रिंट यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ पे फिर से बैक आएंगे प्रोफाइल वाले पे जाएंगे। ठीक, यहाँ से एक प्रिंट आउट निकलेगा, बस दो ही प्रिंट आउट आपको दे देने हैं।
इसके बाद यहाँ पे जाके लॉग आउट कर देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम समर्थ पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएंगे और किस तरह से हम ABC ID को लिंक करेंगे, फोटो साइन कैसे अपलोड करेंगे। बाकी और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।